हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। जो जो लोग इस चैनल पे आ चुके हैं नए, वो सब्सक्राइब जरूर करिए, देन वीडियो को फिर शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। सो ओ माय गॉड, फाइट हो चुकी है तेजस्वी प्रकाश एंड प्रतीक के बीच। ये बिग बॉस 15 का प्रोमो है, लेटेस्ट प्रोमो है, एंड उसमें टाइटल में दिया गया है कि तेजा और प्रतीक की फाइट हुई एंड करण कुंद्रा ने साथ दिया। किसका? ऑब्वियसली बात है तेजस्वी प्रकाश का। तो आपको पता है कि इनकी जोड़ी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है अभी हर जगह पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड हर जगह पे दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो रखे हैं। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। तो अगर दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी वगैरह पक रही तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करण कुंद्रा का भी हो चुका है ब्रेकअप। एंड मतलब मुझे बहुत ढेर सारी वीडियोस दिखी हैं इस चीज से, क्योंकि जब मैंने सर्च करने पे डाला तो बहुत 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 सारी चीजें मेरे सामने आ गई, लाइक करण एंड तेजाज क्यूट मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स, ये वो। तो मैं बिग बॉस 15 वैसे नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देने वाली है, तो मैं जरूर देखूंगी। गाइस लेट्स सी कि क्या है। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, लेट्स प्ले द वीडियो। क्या है ऐसा? इन लोग का मैप का टुकड़ा, प्रतीक इन लोग का मैप का टुकड़ा अपन ने छुराया। इन लोग इस कच्चे से मैप बनाने वाले थे, देख। ये मेरा कच्चा, ये मेरा कच्चा चुरा कर इससे मैप का वो टुकड़ा जो हमने चुराया इस पे इन लोग 73 लिख के मैप में लगाने वाले थे। कहाँ का इंसाफ है ये कि किसी इंसान का कच्चा मैप में यूज किया जाए? कहाँ का इंसाफ है? और इसके ऊपर नेल पॉलिश से 37 लिखने वाले 73 नहीं, उनको लगा आप कच्चा पहनते तो होनी, तो हम मैप में लगा ले। फिर कैसा लगता जब ये मुझे वापस मिलता और मेरे पिछवाड़े पे 73 लिखा होता? और इस कच्चे पे लांछन लगाई है, इसे चुराया गया है। क्या इस कच्चे का कोई अस्तित्व नहीं है? हाँ। ये घर है व्यक्तित्व का, तो इस कच्चे को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। हाँ। इसका भी एक व्यक्तित्व है। Watch Big Boss 15 24 hours live only on Voot. Download the app now. छोटी सी क्लिप है, इसको देख के क्या जज किया जाए। ये तो वही लोग जज कर सकते हैं जिन्होंने ये चीज पहले की देखी है, एंड मैं अब इसको देखूंगी, शुरू से लेके देखूंगी, क्योंकि ये चीज जो है किसी चीज से रिलेट करती है जो कि हो चुकी है पहले, देन तभी पता चलेगा कि क्या इसका सीन है क्या नहीं है। लेकिन मैं तो अभी भी उन ख्यालों में खोई हुई हूँ कि दोनों की जो कोलैबोरेशन है कितनी कमाल की होगी, दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में। दोनों वाला फेस जो है वो भी थोड़ा सेम टू सेम लगता है, शायद मुझे लगता हो लेकिन लगता है। तो ये थी रिएक्शन वीडियो एंड बिग बॉस 15 कौन कौन देख रहा है, किसको बहुत पसंद आ रहा है और कौन सा सीजन आपका फेवरेट सीजन रह चुका है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं गाइस अब हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें और बिग बॉस देखते रहें। सो बाय एवरीवन।